दर्पण न्यूज के कार्यक्रम आवाम की आवाज में मैं राजकुमार उपल आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जनता से बात करेंगे योगी 0.2 यानी भाजपा के उत्तर प्रदेश में दूसरे शासनकाल पर। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और जनता क्या चाहती है योगी जी से। अब योगी जी क्या करेंगे ये तो योगी जी जाने, लेकिन जनता क्या चाहती है योगी जी से ये सवाल करेंगे हम आज जनता से। आइए जानते हैं जनता आखिर योगी जी से और भाजपा सरकार से क्या चाहती है। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदूवादी नेता गोविंद पारा सर। सबसे पहले इन्हीं से पूछते हैं, योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, ऐसे में जनता क्या चाहती है, जो 5 सालों में जो विकास कार्य नहीं हुए वो क्या चाहती है कि इस बार विकास कार्य होंगे, या आप क्या सोचते हैं योगी जी के बारे में? देखो, पहले भी 5 साल में विकास किए हैं, जो रहे अधूरे वो विकास होंगे। और पहला हमारा मुद्दा था कानून व्यवस्था बनाए रखना, जो हमने 5 साल में कानून व्यवस्था ऐसी कर दी है कि अब कोई ईंट भी नहीं उखाड़ता है। तो या दूसरी बार भी अब यही बुलडोजर लेके निकलना है या कुछ और करना है? बुलडोजर नहीं, अब विकास की बात करेंगे। और विकास इतना होगा कि उम्मीद नहीं होगा, जितना उत्तर प्रदेश में विकास होगा वो किसी राज्य में नहीं होगा। पहले 5 साल में क्यों नहीं हुआ? पहले 5 साल में आपने देखा कोरोना काल था, घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा था, कोरोना काल देखा, इतनी सभी को दवाई देने का कार्य किया था और आगे भी कार्य करते रहेंगे। जिस तरह से हमने जो 2-2.5 साल देखा है, जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के वहाँ में ये कोरोना काल आया है, वो भी 2 साल ही रहा ना, 5 साल तक राज किया, 5 साल में क्या किया? 2 साल में जो किया है वो 5 साल में, जब ही तो हम दोबारा वापस आए हैं 2048 में, 2-75 सीट का आगरा की तो वही की वही समस्याएं हैं जो पहले ही थी, ना बैराज बना, ना खंडपीठ की मांग पूरी हुई, ना हवाई अड्डा बना, तो सबकी सब समस्याएं वैसे ही हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमने विकास किया? नहीं, क्या विकास किया मैं बताऊं, विकास है आपके, देखो मेट्रो भी आ रही है, सब धीरे धीरे वो हो रहा है। ये मेट्रो केवल एक ये नहीं कि योगी जी के टाइम पे नहीं आई थी, ये अखिलेश जी के टाइम पे शुरू हो गई थी और केंद्र सरकार भी इसमें योगदान कर रहा है। तो आप ये मत कहिए, अखिलेश ने तो साइलेंस करा था, कौन सा वो करा था, पैसा तो योगी जी लगा रहे हैं ना, पैसा तो योगी जी लगा रहे हैं। और आगे भी जो काम है देखना, भारतीय जनता पार्टी इतना काम करेगी, मोदी योगी जी पे भरोसा देखिए, ये देश आगे बढ़ रहा है, पूरा विश्व हिंदुस्तान का गुनगा रहा है। जो आगरा ने 9 के 9 विधायक दिए 2017 में, 2022 में फिर 9 के 9 विधायक दे दिए आपको, लेकिन अभी भी आपको कुछ और चाहिए आगरा से, क्या चाहिए? अब आगरा की जनता मांग रही है कि हमें विकास दीजिए, जो हमारी समस्याएं हैं जो इतने सालों से बनी आ रही हैं वो जस की तस हैं, तो वो समस्याएं कब सॉल्व होंगी? अभी शपथ लेने दो, अब की बात तुम्हें मौका नहीं मिलेगा कहने के लिए कि हम इतना विकास करेंगे आगरा शहर में, कि आपको उम्मीद नहीं होगी। हमारे 9 विधायक, जिला पंचायत, मेयर सब हैं हमारे, वो आपको कहने का आपकी मौका नहीं दिया जाएगा, आपकी इतना विकास होगा, विश्वास रखिए। और आइए बात करते हैं एक और शख्स विपिन वर्मा से, और जानते हैं कि योगी जी का जो ये दूसरा कार्यकाल है उनकी नज़रों में कैसा रहने वाला है और किस प्रकार के कार्य आगे योगी जी करने वाले हैं। वैसे तो ये बात योगी जी बता सकते हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है उनसे कि किस प्रकार के कार्य करें, ये इनसे पूछते हैं। आप क्या चाहते हैं? सर, मैं मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव का आगरा क्लस्टर का मैनेजर हूँ, ठीक है सर। आगरा की जो डॉक्टर्स की मंडी होती है वो पूरी मंडी मैं देखता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जो योगी जी ने और मोदी जी ने जो अपने मतलब स्मार्ट सिटी बनाई है, और हमारे यहाँ मेट्रो भी आ रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे यहाँ, तो मैं चाहता हूँ कि उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ के जो हमारे लिए जो प्रोग्रेस हो रही है उसको डिफाइन करें वो, ठीक है सर। और बाकी क्या कहते हैं कि आम जनता के लिए उनने बहुत सारी प्रोसेसिंग कर रखी हैं, और वो आने वाले समय में वो प्रोसेसिंग भी डेफिनेटली डिफाइन होंगी। आप आगरा से? हाँ, मैं आगरा से। आगरा को क्या मिला इन 5 सालों? सर, आगरा को बहुत कुछ मिला, हमारे यहाँ क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं कौन सा कार्ड बनाए वो श्रम कार्ड बनाए है ना, और आगरा की जनता को जो भी राशन कार्ड मिलना है, जो भी राशन मिलना है, वो सारी चीज़ें मिली हुई हैं। और बाकी इनका बहुत बड़ा सहयोग है आगरा के अंदर, और मैं ये चाहूँगा आगे भी ऐसे ही कुछ चलता रहे। और हमारी स्मार्ट सिटी होने वाली है, हमारे रोड भी बन गए। लगातार 9 के 9 विधायक दूसरी बार 2017 में आए, फिर 2022 में आए, पूरा का पूरा प्रशासन, 2 के 2 सांसद, तीसरे सांसद और आ गए, तो ये सांसद, विधायक, नगर निगम सब कुछ है, इसके बावजूद भी आगरा के हाथ अभी तक खाली के खाली है। खंडपीठ स्थापना की मांग 60 वर्षों से चली आ रही है। जब ये विपक्ष में थे तो ये बोला करते थे कि हमें सत्ता में लाओ, हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया इन 5 सालों में। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि ना
प्रोसेसिंग जो होती है वो धीरे धीरे होती है, ऐसा नहीं होता एक साथ में प्रोसेसिंग हो जाए, बात समझे ना। नहीं, एक भी मांग पूरी नहीं हुई ना, इतनी मांगे थी, एक भी मांग, हवाई अड्डे की मांग पूरी नहीं हुई, बैराज की मांग पूरी नहीं हुई, बिल्कुल होगी, 110% हो जाएगी। आपको विश्वास है इस बार पूरी होगी? 110% विश्वास है। और जो केवल बुलडोजर ही चलता रहेगा? नहीं नहीं, जो हमारी सप्ताह आई है ना, वो हमारी जो सप्ताह आई है ना, वो 110% पूरी करेगी इस मांग को भी, है ना। आपकी जो हवाई अड्डे की जो भी आपकी मांग है वो सारी चीज़ें प्रोसेस करें, प्रोसेस में चल रही हैं सारी चीज़ें, है ना सर। और बाकी एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि जो जो प्रोसेसिंग होती है वो धीरे धीरे ही होती है, एक साथ नहीं होती है कोई भी प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आप इस चीज़ को दोहराए में रखो या किसी गलत वे में जाओ, है ना। तो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन बस विश्वास रखना चाहिए आपको अपने ऊपर। और आइए बात करते हैं प्रवीण खत्री से, जो एक दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं कि ये योगी जी का दूसरा कार्यकाल उनकी नज़रों में कैसा रहने वाला है, और योगी जी 25 तारीख को शपथ ले रहे हैं, कैसा लगता है इस बार दूसरी जो कार्यकाल रहेगा कैसा रहेगा, क्या क्या आशाएँ रखते हैं आप उनसे? देखिए, योगी जी एक उस प्रकार के सुलझे हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 साल उस गरीब जनता के लिए जो कुछ करा वो अदृश्य है, और पूरी जनता उनको देख जो काम किया है वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देना चाहिए वो काम। जो नहीं, काम तो वो होते हैं जो दिखाई दें, अदृश्य काम कौन से होते हैं? ऐसा कौन सा अदृश्य काम किया उन्होंने? अदृश्य का मतलब ये है कि वो किसी पे कोई एहसान नहीं करते, काम करने के बाद अपना गुणगान नहीं गाते, और जो अब आने वाला काम किया, ये काम क्या किया है ये बताइए, और अब आप क्या चाहते हैं ये बताइए। काम जो किया है उन्होंने, गरीब जनता को राशन दिया, गरीब जनताओं के खातों में पैसे भिजवाए, और गुंडागर्दी खत्म करी, भू माफिया उनसे दूर भग रहे हैं। आगरा के लिए क्या किया? आगरा ने 9 के 9 विधायक 2017 में दिए थे, 2022 में फिर 9 विधायक दिए, दोनों सांसद, नगर निगम के मेयर, जो है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, सब कुछ तो भाजपा का है, इसके बावजूद भी भाजपा को, आगरा को क्या मिला है? देखिए, कोरोना काल 2 साल ले आए, आप लोग पत्रकार हैं, 2 साल रहा है, बाकी के 3 साल भी तो थे। देखिए, कहीं पे भी जो जो भी अनेक सरकारें इतने वर्ष मार रही, और उन अव्यवस्थाओं को व्यवस्था में बदलने के लिए समय लगता है, और योगी जी ने कोरोना काल के अंदर और मोदी जी ने कोरोना काल के अंदर हिंदुस्तान के जनता को जो दिया है वो एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री इतनी आसानी से नहीं दे सकता। तो ये राशन मिलता रहेगा क्या ये 5 साल तक लगातार? और कोरोना तो खत्म हो गया, राशन भी खत्म होने वाला है, अब क्या मिलेगा? बाबा जी का टुल्लू? ना, देखिए, बाबा जी का टुल्लू तो क्या मिलेगा कि हर व्यक्ति योगी जी को याद करेगा कि बाबा ही मुख्यमंत्री और बाबा ही प्रधानमंत्री। नहीं, याद किस वजह से करेगा, बात तो बताइए, आगरा को क्या मिला? आगरा की इतनी मांगे थी पुरानी, बैराज की मांग थी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग थी, खंडपीठ की मांग थी, एक भी मांग पूरी हुई है, बताइए आप। देखिए, ऐसा है कि हाथों में सरसों नहीं उगती हैं, सरसों उगाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, समय की जरूरत पड़ती है। जमीन दे तो दी आपको, 9 के 9 विधायक दे तो दिए, और क्या जमीन चाहिए, और क्या लोगे? देखिए, ऐसा है, कहने और करने में बहुत फर्क है, कहने के लिए तो जवान हिलने में नहीं, कहा नहीं है, आगरा ने तो करके दिखाया है, दूसरी बार दिखा दिया आपको, दूसरी बार आपके ऊपर भरोसा कर लिया, अब क्या मिला बताइए? आगरा के हाथ तो खाली के खाली है ना। देखिए, समय रहते आप लोगों को भी इस बात का जवाब मिलेगा कि मोदी ने क्या करा और योगी ने क्या कर रहे हैं, और योगी आने वाले जवाब हम आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए ना। समय का इंतजार करो, समय का इंतजार, योगी जी के जो दूसरा जो कार्यकाल शुरू हो रहा है 25 तारीख के बाद में, और वो ये बताएंगे कि देखो मैं क्या हूँ, और मैंने आगरा के जनता को लिए और उत्तर प्रदेश की जनता को क्या सौगात दी है, उसका समय आने पे आप। अब इन 5 सालों में लगता है कि कुछ होगा, पिछले 5 साल तो कोरोना में निकल गए, अब लग रहा है कि 5 सालों में कुछ होना। देखिए, आकंदन को आरती क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, जो बातें आप हमसे पूछ रहे हो वो समय आते आपको पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा इन बातों का, कि योगी ने क्या करा और मोदी ने क्या करा। आप कुछ नहीं तो यूक्रेन को रशिया का वो युद्ध देख लो, 8 घंटे उसके कहने से पुतिन ने युद्ध रोका, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की और आगरा की चल रही है, आप कहाँ यूक्रेन पहुंच गए? आप योगी के अगर जो प्रत्यक्ष प्रमाणित है उसको बताना हमारा अधिकार है, और योगी का जो आगे कार्यकाल होगा उस कार्यकाल के अंदर योगी क्या करेगा
वो आपकी निगाह में आएगी, आपको अगली दफे इस क्वेश्चन पुटअप करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हमारे साथ एक और युवक यहाँ पर जुड़ रहे हैं, सनी। सनी आप बताइए, जो 5 सालों में भाजपा ने नहीं किया वो क्या चाहते हैं? आपकी योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो इन 5 सालों में पूरा होगा या फिर आप सरकार से और क्या चाहते हैं? सर मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे मेन चीज़ तो महंगाई है। महंगाई को सबसे पहले कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर 70-80% की आबादी वो छोटे तबके से आती है, तो उनको लेकर के थोड़ा सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। जिस तरह से आगरा की बहुत सारी मांगें अधूरी रह गई, खंडपीठ की और बैराज की, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, इस तरह की मांगें वो बरसों से चली आ रही हैं, लेकिन 5 सालों में कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक ये विपक्ष में बैठते थे तो ये कहते थे कि हमें सत्ता में आने दो, हम आपकी मांगें पूरी कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई मांगें पूरी नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए? तो मैं क्या कहना चाहूँगा इसके लिए, सरकार की नाकामी कहेंगे, क्या कहेंगे? सरकार की नाकामी कह लो या भ्रष्ट नेताओं की, वो समझ लो आपस में कि जो भी आता है ऊपर से ऊपर किसी काम के लिए ऊपर से ऊपर वो आता है, कागजों में रह के रह जाता है, कुछ होता नहीं है, आपस में सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं या उसको आगे पीछे बढ़ा देते हैं, बढ़ता जाता है उसको। तो आपको क्या लगता है ये आने वाले 5 साल भी कागजों में ही बीत जाएंगे या काम कुछ धरती पर दिखाई देगा, धरातल पर? कागजों में सारे काम कागजों में ही दिखाई देंगे, क्योंकि ज़्यादातर अब रामराज रहेगा तो मंदिरों में ही ज़्यादा उनका ध्यान रहेगा, ना कि इन सारी चीज़ों पर। सर क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, ये 2-4 मुद्दे हैं मेन ये कि सबसे पहले तो महंगाई इस पर कंट्रोल किया जाए, मेन चीज़ ये है, और थोड़ी बेरोजगारी है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी जो भी विकास हो रहा है वो तो हो ही रहा है, दिख रहा है डिजिटल इंडिया बन रहा है, लेकिन बन तो रहा है लेकिन डिजिटल जब पैसा ही नहीं रहेगा तो डिजिटल किस काम का है वो? और आइए बात करते हैं ऑल इंडिया सैफी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष असलम के सैफी से, और जानते हैं कि इस बार जो योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 25 तारीख को शपथ ग्रहण है, तो कैसा रहेगा कार्यकाल, क्या जनता अपेक्षा रखती है उनसे? नमस्कार, मैं सबसे पहले तो आपके द्वारा प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी सरकार चुनने का एक निर्णय किया, क्योंकि ये सरकार गरीब पिछड़ों के विकास के लिए कार्य करने वाली सरकार है, और इस सरकार के अंदर कहीं भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल ये अनुभव कर चुके हैं कि जिस तरह से इस सरकार की योजनाएं रही हैं गरीब पिछड़ों के लिए, कहीं किसी तरह का किसी भी योजना के अंदर भेदभाव नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि उससे भी ज़्यादा बेहतर इस बार हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के जो प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी योजनाएं पहले भी लाए हैं, इस बार भी लाएंगे। यानी कि बुलडोजर अब दुगनी गति से चलेगा? देखिए, बुलडोजर जो चलेगा वो अपराधियों पर चलता आया, अपराधियों पर चलेगा, ना अपराधी पहले बचे हैं ना आगे छोड़े जाएंगे, लेकिन शरीफ आदमी के लिए इस प्रदेश में, इस देश में कहीं किसी तरह की कठिनाई नहीं है। जो शराबत से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं उसके साथ पूरी सरकार है, पूरी योजनाएं हैं। आगरा को क्या मिला? 9 के 9 विधायक 2017 में, 2022 में फिर 9 विधायक, लेकिन मिला क्या? आगरा के हाथ तो खाली के खाली हैं। देखिए, आगरा एक ऐसा शहर है जो ऐतिहासिक शहर है, इसको भली भांति हमारे साथ में सरकार भी जानती है, लेकिन पहली सरकार, पुरानी सरकार की उन योजनाओं को जो आम आदमी के खिलाफ थी उन्हें ख़त्म करके उनके विकास के लिए लगी थी। ये सरकार अब आई है तो आप इंतज़ार कीजिए, इस सरकार में आगरा ही नहीं पूरे प्रदेश को विकास देखने के लिए मिलेगा, उसमें आगरा कहीं से अलग नहीं रहेगा, आगरा में विकास की गंगा बहेगी। और आइए बात करते हैं, भाजपा नेता इरफान कुरैशी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो आने वाला योगी जी का 0.2 कार्यकाल है ये कैसा रहने वाला है और आगरा को क्या मिलेगा? इरफान जी, जिस तरह से योगी जी ने पिछले 5 साल में काम किया, लेकिन देखा जा रहा है कि केवल बुलडोजर चलाने के अलावा कोई खास काम नहीं हुआ, आगरा के तो हाथ अब भी खाली के खाली है, क्या लगता है कि इस बार जो पिछली बार जो योजनाओं में कमी रह गई थी इस बार पूरी होंगी? मैं धन्यवाद देता हूँ सब में पहले उत्तर प्रदेश की जनता को, और फिर योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, जो जनता ने विश्वास किया, जनता को लगा सुकून और शांति, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रदेश के योगी जी हैं, जो शांति से रहना चाहते हैं, आज हमारी बहन बेटियों को देख लो, खुल के कहीं भी जा सकती हैं, खुलेआम सपा का शासन था, मुलायम सिंह कहते थे बच्चे हैं गलती कर देते हैं,
तो सब जनता सब जानती है, जनता को आप कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, और जनता ने ठान लिया था, इसलिए मुस्लिम समाज ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इसमें और आगे भी लेगा। और आगरा को क्या पूरे प्रदेश को योगी जी और मोदी जी डबल इंजन की सरकार ने दिया है, आगरा नहीं पूरे प्रदेश को दिया है। योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है, योजनाएं खुल के चली हैं, 2.5 लाख रुपए मकान के लिए सबको मिला है, और डबल इंजन की सरकार है, राशन दोनों। बार बार डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार 2017 में भी थी, लेकिन आगरा को तो कुछ नहीं मिल पाया ना। आपकी डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, लोगों को क्या फायदा मिल रहा है आपकी डबल इंजन की सरकार का? सबसे पहले तो मिला है कि अपराध कम हुआ है, और दूसरा किसी की बहन बेटी कॉलेज जाती थी स्कूल जाती थी, डरती थी, अपहरण हो जाता था, उससे अब बेकुट के हो गए नहीं, अपराधियों के लिए बिल्डोजर चला है और बिल्डोजर आगे भी चलेगा, और ऑर्डर दिलवा दिया। बिल्डोजर के अलावा कोई विकास कार्य बताएं आगरा में, कोई एक विकास कार्य गिना दीजिए आप। मेट्रो आ गई आगरा में, मेट्रो तो ये पहले का परियोजना है, ये कोई नई परियोजना योगी जी के टाइम में नहीं आई? नहीं, ये तो मोदी जी की और योगी जी की सरकार में ही योजना चालू हुई है, और आगे भी अभी 5 साल मिलेंगे, 5 साल में 2 साल कोरोना काल में निकल गए, इसलिए कुछ नहीं मिल पाया। अब भी जो भी विकास मिलेगा आगरा को क्या पूरे उत्तर प्रदेश को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, सरकार रहेगी, और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, और जनता को सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए, शांति चाहिए, और डबल इंजन की सरकार है, और अपराधियों के लिए जो भी बिल्डोजर मिला है अपराधियों के लिए मिला है, किसी जनता ने सब भेदभाव खत्म करके नहीं, इसलिए मोदी जी और योगी जी को वोट देगा नहीं, पुनः 2022 में योगी जी की सरकार बनाइए, आगे से और योजनाएं बढ़ा के और जनता के लिए योगी सरकार बहुत कुछ करेगी। और आइए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नमकीन व्यवसायी सुशील नोतनानी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये योगी जी का जो दूसरा कार्यकाल है वो कैसा रहने वाला है, और इन्हें क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो अधूरी रह गई जो इन 5 सालों में पूरी होंगी। सुशील जी, आप बताइए किस तरह का लग रहा है कि इस बार जो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, क्या क्या विकास कार्य की उम्मीद कर रहे हैं आप? विकास कार्यों की तो लिस्ट बहुत बड़ी है, और क्रम बाई जरूरत के हिसाब से विकास कार्य होते रहेंगे, और विकास हुए हैं और राज्य सुरक्षित रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित रही हैं, तो ये दूसरा कार्यकाल योगी सरकार को इसीलिए मिला है। केवल सुरक्षा के नाम पर ही वोट मिला है उनको? नहीं, विकास तो हुए, विकास हुए विकास पूछ रहा हूँ, विकास का को तो कोई लिमिट ही नहीं है। आगरा में ही बता दीजिए, एक दो विकास गिनवा दीजिए, जितना भी है, रोड रस्ते हैं, पार्किंग पार्क बने, रोड नहीं थे, नहीं पहले कमजोर थे, पहले रोड कमजोर थे, अब तो ज्यादा और ज्यादा सड़कें टूटी हैं। 95% रोडों की आगरा की स्थिति बहुत अच्छी है, ट्रैफिक की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, अगर कहने के लिए आए तो। रही मोदी आगरा को क्या मिला, आगरा को क्या मिला, 9 विधायक 2017 में रहे, 2022 में फिर चुन के 9 के 9 विधायक भेजे, आगरा को क्या मिला? जो उसकी पुरानी जो मांगे थी वो तो अब तक बरकरार हैं, चाहे खंडपीठ की मांग हो, चाहे जो है बैराज की मांग हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग हो, तो ये सब की तो वैसी की वैसी हैं। क्या मिला आगरा को, क्या समझ? एक बहुत बड़ी समस्या थी, गंगा पानी की समस्या थी, जो आगरा में खारा पानी चला आ रहा था। ये गंगा जल परियोजना भी मायावती सरकार में शुरू हुई थी। हाँ ठीक है, वो कागजों में शुरू हुई थी, लेकिन जमीन पे हकीकत जो है अब आके हुई है पूरी, और आज आगरा की जनता उस मीठे पानी को लेकर बड़ी खुश है, और जहाँ काफ़ी जगहों पर अभी नहीं भी पहुँचा है तो वो काम जारी है और चल रहा है। तो क्या लगता है इस बार कुछ जो 5 साल अब ये सरकार चलने वाली है, इसमें कुछ योजनाएं लग रही है कि आगरा के लिए कुछ मिलेगा या प्रदेश को कुछ मिलेगा? बिल्कुल, आगरा को मिलेगा, अब ये हमारे शीर्ष नेतृत्व है, और जो ज़रूरत होगी उस जरूरत के हिसाब से आगरा को दी जाएगी, वो ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। और अगर योगी सरकार की बात करते हैं आप, तो ये योगी जो चार राज्यों में जो जीत हुई है भाजपा की, ये दूरगामी परिणाम है, बहुत अच्छा एक परिणाम है इसके। पिछली बार से तो वोट प्रतिशत भी कम हुआ है और सीटें भी कम हुई हैं, ये कैसे कह सकते हो? तो ठीक है, दूसरे दल भी हैं, थोड़ा बहुत सक्रिय दूसरे दल। आपने इतना विकास करवाया भाजपा सरकार ने, तो फिर सीटें कम क्यों हुई? हाँ, तो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में आपकी जीत हुई है, ये कम है क्या? और फिर ये जो कश्मीर की जो कश्मीर को ये फिल्म बनी है, आप अब तक जो जितनी बड़ी फिल्में बनी हैं बड़े बड़े बजटों के ऊपर बनी है, बहुत बड़ा खर्चा किया जाता है उसके प्रचार के लिए, और वो शुक्रवार और शनिवार तक ही और इतवार तक ही रह जाती है, लेकिन ये फिल्म जैसी जैसी दिन बीतते जा रहे हैं और व्यापार देती जा रही है, बिजनेस देती जा रही है, तो क्या है इसका मतलब? एक अच्छा मैसेज है भाजपा का, और एक देश की राजनीति के एक बहुत अच्छा मैसेज है। बगल का जो राज्य, अब बगल का जो देश है, जो दुश्मन देश माना जाता है, आज उनका भी प्रधानमंत्री हमारे देश की राजनीति और हमारे भाजपा की तारीफ के करते करते थक नहीं रहे हैं,
तो ये बहुत एक अच्छा परिणाम है भाजपा का और देश और राज्य की सरकारों का बहुत अच्छा परिणाम है। और आइए बात करते हैं, हमारे साथ एक युवा वंश नोतनानी है, उनके उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो आने वाले 5 साल है वो किस तरह से रहने वाले हैं और योगी जी का दूसरा कार्यकाल कैसा रहेगा, क्या मानते हैं आप? मेरा मानना ये है कि योगी जी का आगे आने वाले 5 साल में और भी विकास कर रहे होंगे, जैसे कि हमारे आगरा में ही और आसपास के और भी जितने जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, उसमें मेट्रो का काम बहुत तेज़ी से चालू हो चुका है और हमारे देश हमारे आगरा शहर को मेट्रो बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। तो उससे यह होगा कि जो थोड़ा सा जो जिनके पास गाड़ी की दिक्कत है वो अपने मेट्रो से सफ़र कर सकते हैं पूरे शहर में। और बात गंगा जल की, तो अभी गंगा जल की लाइनें हर जगह डल रही हैं और मेरा ये मानना है कि आने वाले 2-3 साल में हम सबके पास गंगा जल प्रॉपरली पहुंचने लगेगा और हम उसे यूज़ करेंगे। और जो यमुना नदी का पानी है वो सिर्फ साफ़ सफाई होके उस सिर्फ इरीगेशन के काम आया करेगा, एग्रीकल्चर के काम आया करेगा। क्या लगता है, युवा जो है पढ़ लिख जाते हैं लेकिन उसके बाद में उनको पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, ये सरकार में भी देखने को मिला है। तो बेरोजगारी और महंगाई, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता अक्सर वोट करती है, आपको क्या लगता है महंगाई और बेरोजगारी पर भी कुछ असर पड़ेगा? मैं महंगाई और बेरोजगारी के बारे में, पहले तो बेरोजगारी के बारे में बोलूँगा, अगर युवा ये चाहते हैं कि वो 10वीं और 12वीं पढ़ाई करके के बाद उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो ये किसी भी सरकार में पॉसिबल नहीं है कि 10वीं और 12वीं पास करके आदमी सोचता है कि हमें 10वीं 12वीं नहीं, यहाँ तो डिग्रियाँ लेकर के घूम रहे हैं लोग, लड़के जो हाई क्लास पढ़े हुए हैं, हाई क्वालिफाइड हैं, लेकिन उसके बावजूद डिग्रियाँ लिए हुए बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या वजह है? क्या छोटा काम नहीं करना चाहते या क्या चाहते हैं आप? अब मैं आपको बताऊँ छोटा काम क्या हो, छोटा काम और बड़ा काम में ये कुछ नहीं होता है, लेकिन अब हर किसी को चाहिए, महंगाई के चक्कर में हर किसी को चाहिए अच्छा काम, हर किसी को चाहिए अच्छी सैलरी, हर किसी को चाहिए अच्छी नौकरी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप छोटे से स्टार्ट करते हैं तो ये ज़रूर है कि आपको एक ना एक दिन अच्छी नौकरी और एक ना एक दिन अच्छी सैलरी मिलेगी। और महंगाई का ये है कि कुछ चीज़ें जो हमारे पूरे देश में और हमारे पूरे पृथ्वी पर हो रही हैं, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, तो उस चक्कर में भी कोई चीज़ जो वहाँ से इंपोर्ट होती हैं, जो एक्सपोर्ट होती हैं, उन चीज़ों में आने में दिक्कत होती है, तो इस समय उन चीज़ों पे भी काफ़ी चीज़ें बढ़ाई गई हैं। जैसे अब इस समय क्रूड ऑयल के बारे में पता चला है, तो मोदी जी के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनने US से भी और एक और कंट्री है उनसे पूछा, तो उनने क्रूड ऑयल काफ़ी सस्ते दामों पे हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। तो मैं ये मानता हूँ कि आगे वाले नडाल में पेट्रोल और डीजलों का दाम भी गिरेगा। युवाओं के लिए कुछ चाहते हैं विशेष कि युवाओं के लिए ये सरकार, जो योगी सरकार है जो पिछले 5 सालों में इतना कुछ नहीं कर पाई, युवाओं के लिए भी कुछ करेगी, क्या सोचते हैं? युवाओं के लिए ही करेगी और मैं ये भी जानता हूँ कि इस साल और आगने 5 साल में भी किसी भी धर्म और जाति को देख के ये नौकरियाँ नहीं दी जाएंगी, जो काबिल होगा उसको ये नौकरी उनको सरकारी नौकरी दी जाएंगी और कोई भी जाति के जात पे नहीं देती ये सरकार नौकरी, जो काबिल होता है उसी को सिर्फ नौकरी मिलती है।